शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कल की नाइट बहुत बुरी रही। रात को बारिश आई, देखिए टेंट के अंदर पानी आ गया है, जिसके कारण रात को सो नहीं पाए अच्छे तरीके से। तो अभी तो फिलहाल ठीक है मौसम, पर बारिश आने वाले शायद ये आधे घंटे बाद बारिश लग पड़ेगी। देखते हैं आज दूसरे दिन का शूट हो सकता है कि नहीं। यहाँ जहाँ पे अगर शूटिंग वीडियो बना पाया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे का व्यू कैसा है और ट्रैक कैसा है। चलो अभी तो हम पैकिंग कर रहे हैं, हमारे तनी जी मेरे बैग का सब लाई निकल गई है, तो उसके लिए मुरम्मत करते हुए तनी। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पे पैकिंग भी लगभग हो चुकी है, तो चलो ठीक है फिर चलते हैं पैकिंग के बाद। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:30, तो रात को हमारा बेस कैंप यहाँ था ज्वाला में। और देख सकते हैं सभी ने अपने अपने टेंट लाए, जिनके पास टेंट नहीं थे उन्होंने देसी जुगाड़ लगाया था। पर जगह बहुत अच्छी है, रात को बारिश आई उससे थोड़े से खज्जल हुए हैं, बट अब थोड़ा सा मौसम ठीक है, साथ में यहाँ का व्यू भी अच्छा है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर के लिए, देख सकते हैं अच्छी ब्यूटी है यहाँ पे। चलो ठीक है मिलते हैं, चलते हैं साथ साथ, बताता रहूँगा आगे आगे क्या क्या है। दोस्तों पीछे का व्यू देखिए, मौसम जगह है यार, पहाड़ी फूल रही है एकदम, मतलब जैसे गार्डन में पहुंचे हम रही। बाबा जी बाबा जी कहते हैं वंगी,
फ्रेंड, मैंने बताया कि यहाँ पर आते हैं लोग और अपनी याद के पीछे, यादों के लिए पत्थर पे अपना नाम लिख कर खड़ा कर देते हैं, पत्थर रख देते हैं साइड पे। तो यहाँ पे हमारे सन्नी जी भी यही काम कर रहे हैं, एक पत्थर पे इन्होंने नाम लिखा है अपना और ये गाड़ रहे हैं। देखिए, ये इनके लिए याद होगी सन्नी, आप देख सकते हैं। अगली बार ये जब भी आएंगे इनको याद आएगा कि कौन से इन्होंने पत्थर पे अपना नाम लिखा था, क्यों सन्नी ने। तो जो हमारी टीम बाकी पीछे रह चुकी थी वो भी पहुंच चुकी है हमारी अभी अभी, और ये हमारे अभी अभी मिताक्ष चौहान पहुंचे। देखिए, अपने बैग को नीचे रखते हुए पसीने से लथपथ, और साथ में इनके ललित ठाकुर, इन दोनों की कंडीशन मेरे को बुरी लग रही है। अब खुश होते हुए अपनी गोबर दिखाते हुए, और ये पंकज जी वैसे ही साइड में, जय बोले भाई जय बोले। रास्ता बिल्कुल खाली होता। आप देख सकते हैं हमारी टीम ने जो हमारे साथ आगे निकले थे, दूसरे ग्रुप वाले उनको लगभग पकड़ लिया है। अपना ग्रुप पीछे आता हुआ, आप देख सकते हैं वो पॉइंट। दोस्तों, अभी हम नौसरा धार में पहुंचे हैं जस्ट, तो यहाँ पे लंगर की सेवा भी है और साथ में मंदिर है, सभी अभी साथ ही माता टेक रहे हैं, चाय चुए पी रहे हैं। नीचे ये बेस कैंप है, इन्होंने बनाया लंगर के लिए। ये पंकज जी भी चाय का आनंद लेते हुए, नौसराधार में गडासपुर महादेव लंगर कमेटी ने लंगर लगाया है। ये यहाँ की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, ये हर साल अपना लंगर यहीं पर लगाते हैं। तो अगली बार आपको भी आना होगा तो यहाँ पे आपको लंगर मिल जाएगा खाने के लिए। तो अभी हम नौसरा धार से निकले हैं आगे बुल्ला, दोस्तों का डिसाइड हुआ कि आज नाश्ते आगे ही करना है, तो अभी निकल चुका है, मैं पीछे रह चुका हूँ। तो मैंने आपको व्यू भी दिखाया आज का यहाँ नौसरा धार का, कभी भी आना हो तो यहाँ के लिए नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लंगर की सेवा भी होती है और सब कुछ अच्छा, मौसम
फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी यहाँ पे, मेडिकल वगैरह सबकी। तो हम निकल रहे हैं, ओके मिलते हैं आगे। नूसराधार के व्यू का आनंद लेते हुए मेरे साथ जो दोस्त आए हैं, देखिए जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। शंकरा तो ये है नूसराधार, यहाँ से अब हम आगे निकल रहे हैं। ये हमारे कीर्ति भाई जिन्होंने मेरे को धर्मशाला से बुलाया था और खुद एक दिन लेट चले हैं। चलो पर मिल गए हैं, मेरा तन मन में भी सुबह है, मेरा रूह चैन में सुबह है, मेरी आंसों में भी सुबह है, मेरी सांसों में भी सुबह है, मेरी आंसों में भी सुबह है, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ नजर आता सिर्फ ये सुबह है। मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने पंग चढ़ाया। बोलो चक्या बोले चक्या फ्रेंड। हम अभी रात के लिए गोट नामक जगह पे बैठे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का व्यू बहुत ही डेंजर है और यहाँ पे कोई प्लान तो है नहीं एरिया, तो हमने नाइट स्टे के लिए देखिए बना रहे हैं। ये सनी जी और मैं लगे थे, बाकी लकड़ियों के लिए गए हैं दोस्त। ये नीचे हमने घास डाली है क्योंकि कल रात को भी पानी आया था, इससे पानी ना आएगा और ऊपर से टेंट बनेगा। तो अभी तो फिलहाल हमने प्लान किया है और अब टेंट लगाएंगे, तो उसको हम बताएंगे नाइट स्टे में कैसा लगा है टेंट। क्यों सनी, ठीक है फिर? हाँ जी भाऊ। बम बम भोले, जय श्री भोले। शंकर मेरे रोम रोम में शिव है, मेरे बोल बोल में शिव, मेरे तन मन में भी शिव है, मेरी रूह जान में शिव है, मेरे तन मन में भी शिव है, मेरे रूह चैन में शिव है, मेरी आंसों में भी शिव है, मेरी सांसों में भी शिव है, मेरी आंसों में भी शिव है, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ नजर आता शिव ही शिव है। मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने पंग चढ़ाया। बोलो चक्या बोले चक्या डमरो बजड़नो मेरे शंकर जी ने। डमरू की धुन सुन साधो जय आए, डमरू की धुन सुन साधु जी आए, साधु जी आए संग जोगी भी आए, साधु जी आए संग जोगी भी आए, कबड़िया पगे नाचने लो शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने पंग चढ़ाया। बोलो चक्या बोले चक्या डमरो बजड़नो मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने। अरे कावड़ उठा जरा ध्यान लगा, भोले बाबा
चलना पड़ेगा कावड़िया। डमरू को सुनकर जी गंगा भी नाचे, गंगा भी नाचे संग गोरा भी नाचे। तो दोस्तों कल रात को जैसे मैंने बताया था कि पानी आ गया था, तो इसी चक्कर में आज हमने टैंक लगा लिया और उसके बाहर से एक और टैंक लगाया है। ये हमारा बाहर से जैसे बारिश आएगी तो ये पानी निकाल देगी, बाकी जितना भी आएगा चलो उतना पानी अंदर नहीं आएगा। तो इस तरह का आज का नाइट का बन रहा है। बाकियों के भी टेंट लगे हैं ऊपर ऊपर तक, देख सकते हैं आप यहाँ पे टेंट लगे हैं। सन्नी, पंकज भाई और ऋषु भाई पूरी मेहनत करते हुए नाइट के लिए आज गीले नहीं होना है। बाकी लोग अपना भाईचारा पीछे आग लगा रहा है रात के लिए। और यहाँ का मौसम देखिए एकदम धुंध, सही मौसम है यार। आज शाम का व्यू, दोस्त आग का आनंद लेते हुए परे चाय बनाने के लिए आग लग रही है, भाई साहब पानी पी रहे हैं, ऋषु भाई का ध्यान कहीं और है, हीना जी स्माइल कर रहे हैं और साथ ही साथ पीछे का व्यू बहुत ही सुंदर। वाह जी बाबा जी, आज रात हमारी यहाँ होगी। ये हमारे ललित ठाकुर जी जो ज्यादातर फजली होते हैं और हमारे फौजी भाई भी आते हुए एक दो, और ये हमारे नीलम जी, इनको धूम लग रहा है क्योंकि इनकी सास को इनके साथ बहुत प्यार होगा इन फ्यूचर। पंकज चौहान जी को भी na 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 bam 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 bole ram dam dam dole bhang teri chade jad hole दोस्तों। तो अभी हम आग सेक रहे हैं, धुआं भी एक तो मेरी तरफ ही आ रहा है। बाबू को आग डिनर में कॉफी है, साथ में बबरू हमारी देश की भाषा में डोंगे में कॉफी। देखिए नया ट्रेंड चला आजकल डोंगे में कॉफी, पहाड़ों में कॉफी, इनको देखिए मौजूद है यार। Thank you.
जय हो शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने। दोस्तों तो आज की हमारी दूसरी रात गोठा नाम की जगह पर है। आज तो हमारे पास क्योटी अच्छी है क्योंकि टेंट भी अच्छा लगा हमारा, तो आज की रात अच्छी आएगी। क्यों भाई? बिल्कुल। तो चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। आगे का कल के बारे में बताते हैं, कल का सफर कैसा रहेगा हमारा और रात कैसी रही। तो ठीक है, गुड नाइट।